हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु मंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। Knight of Wands, Five of Swords, Ten of Swords, Six of Wands, किंग ऑफ कप्स। तो हमारे पास यहाँ टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है। कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है टॉरस। किसी को लग रहा है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है उनके हाल पर, एंड ये पर्सन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस फेव के बाद, इस ब्रेकअप के बाद या अपना डिसीजन करने के बाद अपनी लाइफ में खुश है। सिक्स ऑफ वॉन्ट्स है यहाँ पर। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने उनको हरा दिया है, जैसे कि कोई गेम हो। इस पर्सन को लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, आप अपने हालातों से जीत चुके हैं, और इस पर्सन को ये बात अच्छी नहीं लग रही। कहीं ना कहीं आपकी खुशी इनके फ्रस्ट्रेशन का कारण है, इनके दुखों का कारण आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस से ये पर्सन परेशान है। यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको बार बार चीट कर रहा था, या इनका बिहेवियर फ्लर्टेशियस है बहुत, और ये कभी भी इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले पाए, या फिर आपकी वार्निंग को बार बार नजरअंदाज कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो बार बार नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली हरकत करेंगे और आप सुनते रहेंगे। तो यहां पर इस पर्सन को समझ में आ गया है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और ये राइट ऑफ वॉन्ड्स अपना लेसन सीख चुका है। इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स को ही पता चल चुका है कि ये ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं हो सकता इस तरह से। और यहां फाइव ऑफ सॉर्ड्स है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये वक्त है अपने आप से लड़ने का। हो सकता है कि ये पर्सन आपको ब्लेम करना चाहे, आपको अपने बारे में बुरा फील करवाने की कोशिश करें और आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश करें, खास तौर से अपनी सफरिंग दिखा के कि तुम्हारे वजह से मेरे जीवन में ये हो गया, या आप इसके रिस्पॉन्सिबल हो, और ये सारी चीजें मेरे लाइफ में आपकी वजह से, सारे स्वॉर्ड्स इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, और इस तरह की चीजें, आपकी दया लेने की कोशिश और आपको आपके बारे में बुरा फील करवाने की कोशिश, जबकि बार बार इस तरह की हरकत करने वालों में से ये है। ओके, और ये चीज आपको बहुत अपसेट कर सकती है। यहां पे सॉल्ट्स है बहुत सारे। हो सकता है कि ये कोई एयर साइन हो, हालांकि साइन तो कोई भी हो सकता है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है। मुझे लगता है आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो सकते हैं, या आपका पर्सन आप पे चीट कर रहा था, किसी और से कमिटेड था, इस तरह की कोई चीज हो सकती है यहां पर।
पर चाहे सिचुएशन जो भी थी टॉरस, ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं और आपको एक नई फ्रीडम का एहसास जरूर होगा। भले ही आपके लिए भी एक पेनफुल रहा हो, आपको भी इस पर्सन ने कई बार निराश किया, आपका दिल तोड़ा है, पर फिर भी जब आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे तो आपको बेहतर फील होगा, आपको रिलीफ फील होगा। और किंग ऑफ कप्स अभी भी दूसरा मौका चाह रहा है। किंग ऑफ कप्स मुझे लगता है कि आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहेंगे और ये पर्सन चाहेगा कि आप उनसे दूर ना जाएं और किसी ना किसी तरीके का टच आपके बीच में बना रहे। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Wands, Six of Cups, Queen of Pentacles, the Star, and Ace of Cups. तो Five of Wands है हमारे पास यहां पर। ये चीजें थोड़ी आपके लिए टफ हो सकती है क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन मुझे लगता है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में था और कहीं ना कहीं ये बहुत टफ हो रहा है आपके लिए भी इमोशनली मूव ऑन करना, पर मुझे लगता है कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पास लड़ने की ताकत है, आप प्रैक्टिकल हैं, आप जानते हैं कि आप इन चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। और इसके अलावा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है टॉरस, आप चाहें तो कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स आपको यूनिवर्स दे रहा है, आपकी जो विशेस है वो पूरी हो रही है, यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा ऑफर करना चाहता है जो आपको डिजर्व करता है और जो आप डिजर्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात तो एक अपॉर्चुनिटी की है, एक्सक्यूज मी, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हर किसी के लिए अट्रैक्टिव है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो चाहे वो पा सकती है, स्पेशली आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं या कोई नया ऑफर हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रेडी हैं इसको लेने के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ हर कोई आपसे अट्रैक्टेड है यहाँ पे। और द कार्ड है यहाँ पे स्टार का, तो स्टार के कार्ड के साथ आप जानते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे नहीं लगता कि आप डाउट में हैं, आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, एग्जैक्टली आपको क्या करना है। जब आप जानते हैं तो आप ये कर सकते हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पास पूरी कैपेबिलिटी है अपने लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने की। चलिए देखते हैं आपके लिए और मैसेज क्या है। ड्रॉप, काफी लंबे समय से हो सकता है इस पर्सन ने आपको अकेला फील करवाया हो, काफी लंबे समय से आप उम्मीद रखे हुए थे मगर यहां कोई उम्मीद नहीं थी और आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला इस पर्सन का। शायद आप जानते हैं कि ये पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है या ये पर्सन उन लोगों में से है ही नहीं जो किसी को भी लेके सीरियस हो, सिवाय इनके लिए, इनके
खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और नहीं है। तो यहां पर आपको कहा जा रहा है ये जो ड्रॉट है, जो खुशियों की कमी है, ये खत्म होने वाली है और आपने जो चीजें अब तक अपने लिए नहीं की है वो करने का वक्त है। अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, तो ये थी रीडिंग नवंबर की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।